एंड वेलकम, दिस इज कविता एंड यू आर वॉचिंग ए माई मेड इजी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जिसकी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी है। सो आई डिसाइडेड टू अपलोड दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन विच सिमिलर पार्ट्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक एडवांटेज ऑफ देयर सिमिलैरिटीज इन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। ये एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सिमिलर पार्ट्स को एक जगह पे ग्रुप करते हैं ताकि उनके सिमिलैरिटीज का हम फायदा उठा सके अपने डिजाइन में एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी। सिमिलर पार्ट्स आर अरेंज टुगेदर इनटू पार्ट फैमिलीज वेयर ईच पार्ट फैमिली पोजेस सिमिलर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टराइस्टिक्स। इन ग्रुप टेक्नोलॉजी पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू फैमिलीज एंड मशीन्स आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स। जनरली ग्रुप टेक्नोलॉजी से हम क्या समझते हैं? अगर हम ग्रुप एक वर्ड को ले, जनरली ग्रुप से हम क्या समझते हैं कि कुछ सिमिलर चीज़ों की ग्रुप, कुछ सिमिलर इंसान की ग्रुप, या कुछ सिमिलर पार्ट्स की, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो सिमिलर हो, उन उन सभी को हम ग्रुप बनाते हैं, जो कि आपस में कुछ एक दूसरे से लिंक रखते हों, उनकी हम ग्रुप हमेशा बनाते हैं। सो ग्रुप टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी वही है। जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं, तो जो भी इसमें पार्ट्स होगी या फिर जो भी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आपस में एक दूसरे से लिंक हो, सिमिलर हो, जो पार्ट्स एक दूसरे से सिमिलर हो, उन सभी को हम एक ग्रुप करके रखते हैं ताकि हम उसकी उन सभी सिमिलैरिटीज की, उन सभी पार्ट्स की हम फायदा उठा सके, उनको यूज कर सके। ये काफी सिंपल बात है। अगर मान लीजिए चीजें इधर वहां इधर उधर बिखरी रहती है अगर सब तरफ, तो हमें ढूंढने में कितना ज्यादा मुश्किल होता है, टाइम कितना वेस्ट होता है। पहले उन सभी चीजों को ढूंढो जो भी हमको चाहिए, फिर उसके बाद उसको ग्रुप करो, देन फिर अपना काम स्टार्ट करो। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो इससे बेटर क्या है कि हम पहले से ही इन चीज़ों को अरेंज कर ले जिसकी हमें ज़रूरत है, और उनको हम अकॉर्डिंगली ग्रुप कर ले। अगर सिमिलर पार्ट्स है वो हम ग्रुप कर ले तो हमको बाद में आसानी होता है। अगर हम एक सिंपल किचन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हो, अगर जो फॉक है, स्पून्स है, ये सब आपस में मिक्स हो और सब तरफ बिखरे पड़े हो, वो सब एक जगह ना हो, तो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा और कितना ज़्यादा अनईजी होगा काम करने में। जैसे नाइफ है, फॉर्क है, स्पून्स है, यूटेंसिल्स है, ग्लासेस है, टी कप्स है, अगर इन सभी को हम ग्रुप में ना रख के ऐसा सोचे कि एक कप है, उसके साथ एक नाइफ है, फॉर्क है, फिर कहीं पे और एक कप है, प्लेट है, नाइफ है, फॉर्क है, तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हमको उन सब चीज़ों को फिर ढूंढ ढूंढ के अपना काम स्टार्ट करने में। सो इसलिए हम क्या करते हैं, किचन में सारे स्पून्स को एक जगह रखते हैं, सारे फॉर्क को एक जगह रखते हैं, सारे नाइफ को एक जगह रखते हैं, कप्स, प्लेट, सभी की अपनी अपनी एक जगह होती है जिनको हम ग्रुप में अरेंज करते हैं ताकि टाइम आने पर उनको हम यूज़ कर सकें। सो ग्रुप टेक्नोलॉजी भी कुछ ऐसा ही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो भी सिमिलर टाइप की पार्ट्स होती है वो सबको एक जगह हम ग्रुप करके पहले से रख लेते हैं ताकि हमको उसको ढूंढना ना पड़े, टाइम पे वो हमें मिल जाए और हमारा टाइम सेव हो जाए। जो भी सिमिलर पार्ट्स है उनको हम एक एक जगह अरेंज करते हैं, उनको उसको बोलते हैं पार्ट फैमिलीज। सिमिलर पार्ट्स को हम पार्ट फैमिलीज में अरेंज करते हैं, जहाँ पे हर पार्ट फैमिली में या तो सिमिलर डिज़ाइन होगा, कुछ सिमिलर क्वालिटीज़ होगा, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस यूज होगी वो सिमिलर होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टराइस्टिक्स सिमिलर होगा। ग्रुप टेक्नोलॉजी में पार्ट्स को फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है और मशीन्स को ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। तो आई होप ये अभी आपको ग्रुप टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर पार्ट्स की, जैसे हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में ग्रुपिंग करते हैं, उसी तरह से इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमको डेली लाइफ में इजी हो काम करने में। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में भी हम ग्रुपिंग करते हैं ताकि प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काम में इजी हो हमें। सो अब देखते हैं इसकी बेनिफिट्स क्या है।
GT promotes standardization of tooling, fixturing and setups. Material handling is reduced because parts are moved within a machine cell rather than within the entire family. Process planning and production scheduling are simplified. Setup times are reduced, resulting in lower manufacturing lead times. तो इससे टूलिंग और फिक्चरिंग सेटअप्स के अंदर एक स्टैंडर्डाइजेशन आता है. मटेरियल हैंडलिंग जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज हम सारी चीज़ों को अरेंज कर चुके होते हैं एक जगह पे. प्रोसेस प्लानिंग प्रोडक्शन ये शेड्यूलिंग ये सब भी काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है, ईजी हो जाता है हमको करने में. सेटअप के लिए जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी कम हो जाता है. आउटपुट इज इम्प्रूव बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. अगर हम सारी चीज़ों को अरेंज करके एक जगह रख लेते तो हम उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, टाइम सेव होता है, मटेरियल जो हैंडलिंग टाइम है वो कम लगता है. बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस जो है हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर चीज़ें बिखरी पड़ी हो तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है. वही चीज़ें ऑर्गेनाइज हो तो स्पेस कम लगता है और सब चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है. सो बेटर स्पेस यूटिलाइज होता है, क्वालिटी इम्प्रूव होता है, स्क्रैप कम होता है, यानी कि वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है वो सब कम हो जाता है. सिंप्लीफाइड एस्टिमेटिंग अकाउंटिंग एंड वर्क मेजरमेंट. वर्क मेजरमेंट काम करने का जो हम एस्टिमेट लगाते हैं वो सब भी सिंप्लीफाइड हो जाता है काफ़ी हद तक. सो पार्ट फैमिली क्या है? ए पार्ट फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स दैट आर सिमिलर आइदर बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप एंड साइज और बिकॉज सिमिलर प्रोसेसिंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन देयर मैन्यूफैक्चर. ठीक है, पार्ट फैमिली के अंदर ऐसी पार्ट्स होती है जो कि या तो उनके शेप के वजह से सिमिलर होती हैं, या उनकी साइज के वजह से सिमिलर होती हैं, या फिर उनकी प्रोसेसिंग में जो स्टेप्स होती है वो सिमिलर होती है, उनके वजह से हम उनको पार्ट्स पार्ट फैमिलीज के अंदर ऐड करते हैं. उनके मैन्युफैक्चर में जो स्टेप्स जो ज़रूरत होती है वो सिमिलर होने के कारण हम उनको पार्ट्स में ऐड कर देते हैं पार्ट फैमिलीज के अंदर. The parts within a family are different, but their similarities are close enough to merit their inclusion as members of the part family. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब बिल्कुल सेम टू सेम ही शेप का होगा, साइज का होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. जो फैमिली के अंदर पार्ट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका सिमिलैरिटीज़ जो है, उनके अंदर कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ होती है जिनके कारण हम उनको पार्ट फैमिली के अंदर एज अ मेम्बर इंक्लूड करते हैं. सिमिलर पार्ट्स रिक्वायरिंग सिमिलर माइलिंग ऑपरेशन, या जैसे कि किसी किसी को कोई पार्ट्स के अंदर माइलिंग ऑपरेशंस चाहिए तो उनको उन सारे पार्ट्स को हम एक जगह ग्रुप कर देते हैं. या फिर डिससिमिलर पार्ट्स, जो पार्ट्स सिमिलर भी नहीं है लेकिन उनको सेम ऑपरेशन चाहिए, जैसे मशीनिंग ऑपरेशन चाहिए, होल ड्रिलिंग, सरफेस माइलिंग, वो पार्ट्स तो अलग है बट उनका ऑपरेशन हमको सिमिलर ये में करना है तो उन सभी को हम ग्रुप कर देते हैं. सो वो थी पार्ट फैमिलीज. अभी देखिए ये अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स है और ये ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स है. सो इन दोनों में कितना ज़्यादा अंतर हो गया? सो काम करने में बेटर कौन सा रहेगा, अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड? ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज जो है वो काम करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सो इसलिए हम ऑर्गेनाइज कर देते ग्रुप्स के साथ. अभी ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें देखिए, इसमें ग्रुप टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं हुआ है. यहाँ पे माइलिंग ऑपरेशन हो रहा है, इधर फॉर्मिंग ऑपरेशन हो रहा है, इधर रॉ मटेरियल्स हैं, यहाँ वेल्डिंग है, टर्निंग है, हीट ट्रीटमेंट है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी रॉ मटेरियल्स को फॉर्मिंग चाहिए, सभी रॉ मटेरियल्स के लिए फॉर्मिंग ट्रीटमेंट नेसेसरी एंड हीट ट्रीटमेंट नेसेसरी है. सो यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद ये कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, ये बिना ग्रुप टेक्नोलॉजी को यूज़ किए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वही ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ करने के कारण यहाँ कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है सब चीज़ें. जैसे रॉ मटेरियल्स है जिनको जो भी ट्रीटमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको उस सेल में फॉरवर्ड करेंगे. जैसे फॉर्मिंग तो सभी को चाहिए राइट, तो हमने सारे सेल में फॉर्मिंग ट्रीटमेंट अरेंज कर दिया, जिसको वेल्डिंग चाहिए वो इधर जाएंगे सेल वन में,
सिमिलरली जिसको और भी जो ऑपरेशंस चाहिए वो सेल टू में जाएगा, सेल थ्री में जाएगा। एंड अगर हम इसमें नोटिस करें तो सभी को हीट ट्रीटमेंट चाहिए, सभी जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बाद सभी को हीट ट्रीटमेंट चाहिए फाइनल प्रोडक्शन से पहले। तो इसलिए हमने हीट ट्रीटमेंट के लिए इन सभी के साथ कनेक्ट कर दिया है, सारे सेल्स को हीट ट्रीटमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है और काम करने में ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था ग्रुप टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे, जब हम ग्रुप टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे थे तब ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, एंड ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद ये कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। इससे प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम लगता है, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, प्लस इसकी जो आउटपुट आएगी वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी की आएगी। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी लेटेस्ट उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड प्लीज़ सभी के साथ शेयर करें, सभी AMI स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिससे कि उन सभी की हेल्प हो सकती है।